नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हर एक राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता, हर एक प्रत्याशी जनसभाओं को संबोधित करने में लगे हैं। और इसी क्रम में अब सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने भी अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया से बातचीत की। और अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ लोजपा के प्रत्याशी संजय सिंह ने कहा कि बिहार के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास अभी नहीं हुआ है और जनता उनको जिताएगी तो वहां पर वो विकास करेंगे। और साथ ही साथ उनका इस बार का जो मेन उन्होंने अपना मुद्दा बताया है, वो वहां के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा बड़ी बदहाल है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान के बारे में कहा कि उनका अब ये नारा जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर हम आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ क्या कुछ कहा है लोजपा के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने, आप देखिए इस वीडियो में। जनता का अपार जन समूह जो है सो हमारे साथ और बहुत ही मजा आ रहा है। सभी लोग जो है सो हमको मदद कर रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग जो है सो मदद कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो है, सारे वर्ग के लोग जो है सो हमको मदद कर रहे हैं। आज हम जो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट उसको जो है सो के बारे में आप लोगों को बताना है। उसका मुख्य विजन, उस डॉक्यूमेंट का मुख्य चीज जो है वो है स्वास्थ्य सेवा। हमारे बिहार में स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है सो बहुत ही ज्यादा अभाव है। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इधर जो है सो कोई ध्यान ही नहीं, इसीलिए हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में स्वास्थ्य को जो है सो मुख्य रूप से उजागर किया है। तो सुना आपने इस वीडियो में किस तरह लोजपा के प्रत्याशी संजय सिंह ने बातें बताई हैं, अपनी चर्चा की है। और अपनी चर्चा में स्वास्थ्य को लेकर मेन मुद्दा बताया है, स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कहा कि वो काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके साथ है और बढ़ चढ़कर उनको हर एक जाति के लोग भी वोट देंगे। अब कितने लोग उनको वोट देंगे, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही साथ अब मैं आपको जाते जाते बता दूं कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तीन चरणों में मतदान होना है। 28 को पहला मतदान, 3 नवंबर को दूसरा मतदान और 7 को तीसरा, और 10 नवंबर वो ऐतिहासिक दिन आएगा जब पता चलेगा कि बिहार में आखिर सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशन न्यूज़।